नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। आज मतगणना का दिन है और कौन बनेगा विधायक बहुत जल्द शाम तक ही फैसला हो जाएगा। अभी मैं आपको ताजा जानकारी थोड़ी देने वाला हूं कि कौन से विधानसभा में महेंद्रगढ़ में कितने राउंड पूरे हो चुके हैं और किस राउंड में किस व्यक्ति को, किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को बहुमत मिला है। सबसे पहले बात करते हैं हम महेंद्रगढ़ विधानसभा की, जिसमें एक कार्यकर्ता कंवर सिंह यादव को भाजपा पार्टी ने टिकट दी और वो लीड के साथ पहले नंबर पे चल रहे हैं। बात करें उनके वोटों की, 12,110 वोट उन्होंने तीन राउंड पूरे हो चुके हैं उनमें लिए हैं और लगभग 1652 वोटों से रावदान सिंह, जो अभी विधायक थे और पहले भी कई बार विधायक रहे हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पे चल रहे हैं। रावदान सिंह को अभी तक 10,458 वोट मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर की बात करें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट संदीप सिंह एसडीएम, जिन्हें अब तक 4,829 वोट मिले हैं। उसके बाद अगर बात करें इनेलो बसपा के साझे उम्मीदवार सुरेंद्र कौशिक, जो पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं, उन्हें 1,380 वोट अब तक मिले हैं। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मनीष यादव को, जिन्हें अब तक 330 वोट मिले हैं। तो यहाँ पे महेंद्रगढ़ विधानसभा में बीजेपी अभी आगे है। वहीं दूसरी बात करें अटेली विधानसभा की, जो एक हॉट सीट रही है, जहां से केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह की बेटी यहां से चुनाव लड़ रही है, आरती राव, लेकिन अभी वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे ठाकुर अतरलाल, जो अब की बार बसपा इनेलो के गठबंधन के प्रत्याशी थे, उन्होंने वे अब तक 11,055 वोट लेकर तीन राउंड तक पहले नंबर पर हैं, 2,574 वोटों की लीड बना के आरती राव से आगे हैं और आरती राव को अब तक 8,481 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव को अब तक 4,346 वोट मिले हैं। उसके बाद बात करें जेजेपी के से जो प्रत्याशी है आयुषी अभिमन्यु राव, जिन्हें अब तक सिर्फ 245 वोट मिले हैं। यहां पे तीन राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बात करें नांगल चौधरी की, जहां सिर्फ दो राउंड पूरे हुए हैं, वहां से भाजपा प्रत्याशी जो है डॉक्टर अभय सिंह यादव 7,789 वोट लेकर 2,431 वोटों की लीड से आगे चल रहे हैं। वही बात करें वहां से कांग्रेस प्रत्याशी जो है मंजू चौधरी, जिन्हें अब तक 5,258 वोट यहां पे मिले हैं। वहीं बात करें नारनौल विधानसभा की, जहां पे एक राउंड कंप्लीट हुआ है, ओम प्रकाश यादव एडीओ जिन्हें कहा जाता है, जिनके पास पद भी रहा, जो मंत्री भी रहे सहकारिता मंत्री, जिन्हें अब तक एक राउंड में 5,121 वोट मिले हैं और 1,640 वोटों की लीड इन्होंने बना रखी है। नरेंद्र राव नरेंद्र सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, जिन्हें अब तक 3,481 वोट मिले हैं। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, रविंद्र सिंह मटरू, जिन्हें महज 232 वोट अब तक मिले हैं। ये महेंद्रगढ़ विधानसभा की चारों महेंद्रगढ़ जिले के चारों विधानसभाओं का डाटा था, जहां जितने राउंड पूरे हुए हैं वहां की जानकारी मैंने आपको दी है। आने वाले समय में जल्दी अगले राउंड के बाद फिर से मैं आपके सामने आऊंगा। इन राउंड्स के बाद आप क्या सोचते हैं, कौन बनेगा इन चारों विधानसभाओं में विधायक महेंद्रगढ़ की चारों विधानसभाओं का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और बहुत जल्द अगले राउंड की जो मतगणना है अंकों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।